दुनिया भर में महिलाओं को होने वाला सबसे आम कैंसर स्तन कैंसर अक्सर पकड़ा जाता है किसी गांठ या स्तन या निपल के आकार में बदलाव के कारण। अक्सर पकड़ा जाता है महिला द्वारा ही। जल्द से जल्द कैंसर को पकड़ना इसके इलाज के लिए सबसे अहम। You put off going to the doctor. I'll do it next month. I'll do it the month after that. And then ultimately, when the person is diagnosed, there's a lot of आप डॉक्टर के पास नहीं जाते कल परसों अगले महीने और फिर जब जाते हैं तो पछताते हैं जल्दी क्यों नहीं गए क्या इलाज आसान होता पछतावा होता है क्योंकि अब इलाज महंगा भी है। कैंसर ग्रस्त होना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं उससे डरना स्वाभाविक लेकिन डॉक्टर के पास लक्षण मिलने पर ना जाना ना समझे कैंसर हो और उसे ना पकड़ पाना खतरनाक क्योंकि कैंसर तेजी से फैलता और बढ़ता है और जल्दी पकड़ना रोगी के हित में। तो अगर आपको गांठ या कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपका इस तरह परीक्षण करेंगे। महिला को गांठ मिली है या वो स्क्रीनिंग के लिए गई है और कोई लक्षण है तो सबसे पहले हम गांठ का मुआयना करते हैं वो छूने में कैसा है मैमोग्राम में कैसा है इस शारीरिक परीक्षण और रेडियो रिपोर्ट्स के आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं। डॉक्टर आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे और हो सकता है कि मैमोग्राफी कराने को कहें। आपके परिवार में कैंसर और दूसरी स्वास्थ्य जानकारी भी विस्तार से पूछेंगे। याद रखें हर 10 में से 8 गांठ कैंसर की नहीं होती। And sometimes we are almost certain that this कई बार हमें पूरा यकीन हो जाता है कि कैंसर ही है कई बार यकीन से कह सकते हैं कि कैंसर नहीं है लेकिन कई बार हम पक्का निर्णय नहीं कर सकते ऐसे में हम और परीक्षण करते हैं। FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एक बहुत महीन सुई से गांठ की कुछ कोशिकाएं निकाली जाती हैं। इसमें एक मच्छर के काटे जितना दर्द होता है ये सैंपल लैब में टेस्ट होता है। माइक्रोस्कोप के नीचे परीक्षण बताता है कि वो कैंसर है या नहीं। कई बार थोड़ी मोटी सुई ट्रू कट बायोप्सी होती है और कभी कभी ओपन बायोप्सी मतलब स्तन की गांठ से थोड़ा सा हिस्सा काट कर निकाला जाता है। कभी कभी डॉक्टर पूरी की पूरी गांठ निकालना ही मरीज के हित में समझते हैं। कैंसर बहुत सी बीमारियों का मिश्रण है उसे ढूंढ निकालना अपने आप में पेचीदा इसीलिए डॉक्टर बहुत सारे परीक्षण करते हैं और सलाह मांग सकते हैं। संयम रखें जल्दबाजी संभव नहीं ये आपके स्वास्थ्य का मामला है। कुछ तजुर्बे कुछ सलाह उनसे जो कैंसर से जूझ चुकी हैं। सो आई वॉक इन टू हिंदुजा देयर वाज अ लॉन्ग क्यू टू गेट द रिपोर्ट तो मैं अस्पताल गई लंबी कतार थी वो रिपोर्ट ढूंढ रहे थे मिल नहीं रही थी फिर मिली और मेरे हाथ में थी लिफाफे के बिना वो लिफाफा ढूंढ ही रही थी कि मैंने रिपोर्ट पढ़ ली अकेली थी सोच रही थी लिखा है कार्सिनोमा क्या मतलब हुआ मुझे तो बताया गया था कि ये कैंसर नहीं है कार तक जाते समय मैं बिल्कुल सन्न थी कुछ समझ नहीं आ रहा था एकदम साइलेंट सा हो गया था मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था सडनली ऐसा लगा रहा था कि कहीं पे आके एक जिंदगी रुक सी गई है डर लगा थोड़ा सा पर फिर संभल लिए। कैंसर के लिए कोई तैयार नहीं होता लेकिन कैंसर हो
तो उसे स्वीकार करना और इलाज ही एक रास्ता। कैंसर का पता चलते ही पद्मा मिली एक ऐसी महिला से जिनका 20 साल पहले स्तन कैंसर से पाला पड़ा था। पद्मा ने अपने आप को कैंसर से परिचित होने की, जानने की शुरुआत पहले दिन से ही कर दी और यही उनकी कैंसर से निपटने की यात्रा थी। रिगार्डिंग दिस मैटर जानकारी मिलनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इज द फर्स्ट स्टेप। वेरी ऑफन जो डरावनी चीज है, वी डोंट नो मच अबाउट इट, यू नो, इतनी जानकारी नहीं होती है। सरप्राइजिंग चीज है कि कैंसर को इतना एक हवा दिया गया है कि कैंसर हो गया तो मतलब प्रॉब्लम, जैसे लाइफ खत्म हो गया है। कैंसर एक्चुअली एक नया चैप्टर है जो लिखा जा रहा है खाली पेज पे, और क्या उधर लिखा जा रहा है वो डिपेंड करता है कि ये लेडी किस तरह से वो अपने को देखती है, परसीव करती है और किस तरह का वो प्रॉब्लम आया है। हर कोई कैंसर किलर डिजीज नहीं होता है। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर क्यूरेबल है। ब्रेस्ट कैंसर इज क्यूरेबल, द सेकेंड मोस्ट क्यूरेबल कैंसर इन बॉडी आफ्टर थायराइड कैंसर। So the lady should feel fortunate that if at all she's got cancer, she's got breast cancer, that's curable.